आज का सवाल है कि जब ये बोला जाता है कि यूनिवर्स हमेशा हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो फिर हमारे नेगेटिव थॉट्स क्यों मैनिफेस्ट हो जाते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जवाब को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वर्चुअली सिनेरियो क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक बार एक फादर अपने छोटे से बच्चे को टॉय शॉप पे लेकर जाते हैं उसके लिए कोई टॉय खरीदने के लिए। वहाँ उस बच्चे को एक टॉय कार पसंद आ जाती है और वो अपने पिता को बोलता है कि मुझे ये कार पसंद है। जब वो कार उसके पिताजी देखते हैं तो उनको वो खास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस कार की क्वालिटी उनको अच्छी नहीं लगती। एकदम सस्ते मटेरियल को यूज़ करके बनाई हुई लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये कार खरीद भी लेंगे तो ये ज़्यादा चलेगी नहीं, एक दो दिन में ही उसके टूट जाने के चांसेस उन्हें लग रहे थे, तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगी। तो फादर ने उसी शॉप में एक दूसरी कार पसंद की जो बहुत ही मजबूत क्वालिटी की लग रही थी और एक्सपेंसिव कार थी वो। और उन्होंने जब वो कार अपने बेटे को दिखाई कि मुझे ये कार पसंद आ रही है, तुम उस वाली कार को छोड़ के ये वाली कार ले लो। तो बेटे ने जब उस कार को देखा तो उसने कहा, मुझे ये कार बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो वही वाली कार चाहिए जो मैंने पसंद की। पिता ने उस बच्चे को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा समझने के लिए तैयार ही नहीं। उसने तो रोना धोना शुरू कर दिया, हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए वहीं दुकान पर। तो ऑब्वियसली अब फादर के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसको अपने बेटे की पसंद वाली कार ही खरीदनी पड़ी। तो ये सिनेरियो में जो फादर हैं वो हमारा यूनिवर्स है, आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप पूजते हो, विश्वास रखते हो कि वो आपको संभाले हुए हैं, वो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो जो फादर इस सिनेरियो में है, आप उन फादर की जगह उन भगवान को, यूनिवर्स को रखिए। और वो छोटा सा बच्चा, जो जिद्दी बच्चा है, वो हम सब लोग हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए बेस्ट सोचता है। जो भी हमारे लिए सबसे सही चीज़ होगी, हमारे लिए बेस्ट हैं, वो यूनिवर्स ने रखी हैं हमें देने के लिए। लेकिन हमें भी उस अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और इस चीज़ का सिग्नल भी यूनिवर्स हमें देते रहते हैं फीलिंग्स के थ्रू। वो बताते रहते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आप सोचिए कि जब आप कुछ भी नेगेटिव बोलते हो, कुछ भी नेगेटिव सोचते हो, कुछ भी नेगेटिव करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? आपको अच्छा फील नहीं होगा। और यही सिग्नल है यूनिवर्स का कि वो हमें बता रहा है उस नेगेटिव फीलिंग के जरिए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और उस सिग्नल के बावजूद भी अगर आप उस नेगेटिव पर ही फोकस करते रहेंगे, उसी को ही अटेंशन देंगे, जिद पर आ जाएंगे, उस छोटे बच्चे की तरह जिद पर आ जाएंगे, तो फिर यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उसे आपकी उस जिद को पूरा करना ही पड़ता है, जैसे कि उस पिता ने उस बच्चे की जिद को पूरा किया। और यूनिवर्स आपकी जिद कैसे पूरी करेगा? आपकी लाइफ में आपके फोकस्ड नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करके। तो जो नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हुए हैं वो यूनिवर्स की चॉइस नहीं, वो हमारी चॉइस होगी। और अगर इस नेगेटिविटी से बचना चाहते हो तो यूनिवर्स के सिग्नल को समझो। और इसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनके लिए अवेयर होंगे तभी तो हम उनको मॉनिटर करके उनको सही डायरेक्शन में, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ पाएंगे, और जिससे हम अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे।